मेरी मुझे लगता है कि हम जिंदगी को काफी आसान मानकर चलते हैं, समस्या आने पर ही हम उसका हल ढूंढते हैं, जैसे कि खून की जरूरत पड़ने पर ही हमें ब्लड बैंक्स याद आते हैं, बीमारी होने पर हम उसका इलाज तो कर लेते हैं लेकिन उससे बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। वेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनूप, लेकिन शुक्र है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा दूसरों की तकलीफों के बारे में सोचते हैं। हमारे अगले विनर उन्हीं में से एक हैं। राजस्थान के शहनाज अहमद अपने जीवन के 22 साल ब्लड डोनेशंस, आई डोनेशंस, पल्स पोलियो ड्राइव्स जैसे कॉजेज के लिए समर्पित कर चुके हैं। 22 साल से इनका यही मकसद रहा है कि हमारी सोसाइटी एक बेहतर जगह बन सके। हम हमेशा साहस को शारीरिक बल से मिलाते हैं, पर साहस का एक रूप और भी है और वो है धीरज। रक्तदान से कई जिंदगी बची है। 22 सालों से इस रक्तदान की मुहिम के अटूट जज्बे को जारी रखा है चूरू गांव के शहनाज अहमद ने। बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को मैंने अपनाया और लोगों को धीरे धीरे मोटिवेट किया इस चीज के लिए। रक्तदान से बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं है। आप समाज सेवा करें तो रक्तदान से करें, नेत्रदान से करें। हमें बहुत गर्व है कि मेरा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है। शहनाज ने रक्तदान के साथ साथ कई सोशल कॉजेस की जागरूकता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इसने कौम की, समाज की, मानव की बहुत सेवाएं की है। इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित करते हुए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। CID गैलेंट्री अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस अवार्ड को देने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर संजय पाटिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज आपने हमारे इतने सारे अवार्डीज को देखा, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं सोनी टीवी का और CID का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक सिविलियन अवार्ड रखा है, ये दूसरा साल है आपका, और सिविलियंस को आगे लाके वो जो कर रहे हैं उसके लिए, उनको कदर कर रहे हैं उसके लिए मैं सोनी टीवी का आभारी हूँ। थैंक यू सर। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, सामाजिक शौर्य सिल्वर अवार्ड की विजेता राजस्थान के शहनाज अहमद, प्लीज वेलकम हिम ऑन स्टेज। मैं सबसे पहले उस खुदा पाक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने इतने बड़े इवेंट में हमें एक जगह इकट्ठा होने की तौफीक दी। मैं ये अवार्ड मेरे माता पिता को समर्पित करता हूँ, इस पूरी भारत की पॉपुलेशन को, जनता को समर्पित करता हूँ। मैं सोनी टीवी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इस पूरी टीम का, कि इतना बड़ा इवेंट एक छोटे से जगह से आए हुए लोगों के लिए इन्होंने कराया। मैं इसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच मिस्टर अहमद, थैंक यू मिस्टर पाटिल। हिम्मत और